हताती इश्क हकीकी जैसी मंजिल का एक खूबसूरत रास्ता है। रंगों, कलम और नक्शो निगार के जरिए मुख्तलिफत बनाकर अल्लाह के नाम और उसके पैगाम को लोगों के दिलों तक पहुंचाने का खूबसूरत अंदाज कैलीग्राफी कहलाता है। गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल में मशहूर नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता आर्टिस्ट ताबिश सियालवी के जेर एहतमाम मिराज कलम के नाम से तीसरी कौमी हताती नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश में मुल्क भर से नामवर खतातों ने शिरकत की और अपनी कैलीग्राफी के बेहतरीन नमूने नुमाइश के लिए पेश किए। काम इधर देखा है, बहुत ज्यादा चीजें हमें सीखने के लिए मिली हैं और बहुत मतलब ज्यादा हमारी इन्फॉर्मेशन हमें इधर से हासिल हुई है। माशाल्लाह साहब ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है और हमारे लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव चीजें हैं। मैं कैलीग्राफी कर रही हूँ और मुझे यहाँ का काम बहुत अच्छा लगा है। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, हर चीज बहुत अच्छी है और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जो हमें अभी तक नहीं था पता। हम वो सारा यहाँ से सीखेंगे इंशाल्लाह। मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हताथों ने अपने काम में इस्तेमाल की गई टेक्निक्स और लिखी गई आयात के बारे में बताया कि किस मेहनत और लगन से इन्होंने अल्लाह के कलाम को कैनवस पर उतारा है। ये हमारी पेंटिंग है जो हते दीवानी हते नस्तरी वगैरह लिखी हुई है, सारी मिक्स सब कलरों से लिखी हुई है। तारीखी पुरानी तहरीरें वगैरह हर चीज़ हमने शामिल की हुई है। ये मैंने 10-15 दिन में तैयार किया काम। ये वेलवेट पे काम किया हुआ है और इस पर ट्यूबें इस्तेमाल हो रही हैं, एनेमल की ट्यूबें इस्तेमाल होती हैं। 36 ममालिक का कंपटीशन में मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। सदर पाकिस्तान का एजाज मेरे पास है और इसके अलावा आलमी सतह पर विशिंगटन DC म्यूजियम में मेरा ऑलरेडी काम पड़ा है। कुरान और हदीस पे काम करता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरी ज़िंदगी का मासल है। मैंने इस पे जितना वक्त लगाया है, मैं कलम से मेरा नाता इतना है कि मैं कलम से नाता छोड़ दूँ शायद मेरी मौत वाकई हो जाए। गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर गुलाम अब्बास ने ताबिश सियालवी की इस कोशिश को खूब सराहा और उम्मीद जाहिर की कि आर्ट्स काउंसिल में आइंदा भी हताती के हवाले से तकरीबात का इनेकाद होता रहेगा। ताबिश सियालवी साहब की बहुत बड़ी काविश है कि पूरे पाकिस्तान से हताथों को यहाँ पर बुलाना, उनके फन पारों को यहाँ पर लेके आना और फिर गुजरांवाला के लोगों को उसकी इस नुमाइश की को देखने का मौका देना। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी हुशाइन है। इस तकरीब के ऑर्गेनाइजर मशहूर हताथ और मुसव्वर ताबिश सियालवी ने बताया कि वो अपने काम को इबादत समझते हैं। ये तीसरी कौमी हताती नुमाइश है जो ये गुजरांवाला आर्ट काउंसिल के प्लेटफार्म में और ताबिश आर्ट स्टूडियो के ज़रिए अहतमाम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत करने का मुझे मौका मिला और इतने बड़े खतातों के साथ यहाँ डिस्प्ले किया गया, तो ये दूसरे जो हमारे स्टूडेंट हैं यंग आर्टिस्ट उनको भी ये मौका मिला उनके साथ खड़े होने का और उनका काम देखने का। इस तकरीब में बेहतरीन फनपारे बनाने वाले खतातों में अवार्ड्स और ट्रॉफीज भी तकसीम की गईं। मैंने आज आपकी मुलाकात करवाई ऐसे तहलीककारों से जो आपकी मुलाकात हकीकी तहलीककार से करवाते हैं। गुजरांवाला के मशहूर आर्टिस्ट ताबिश सियालवी की जानिब से उठाया गया ये नुमाइश का अहसन कदम काबिले तारीफ है। कैमरामैन अमजद अली के साथ जवेरिया जमाल, G4 गुजरांवाला।